नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है भारत में जीका वायरस की दस्तक। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में 5 साल की लड़की जीका वायरस से संक्रमित पाई गई है। पुणे की लैब रिपोर्ट ने कर्नाटक में जीका वायरस की पुष्टि की है, अतः अब भारत में जीका वायरस धीरे धीरे फैल रहा है, जिससे देश में खतरा बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि राज्य में यह पहला मामला है और सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है ताकि यह नई महामारी न बन जाए। अगर जीका वायरस की बात करें तो यह संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा इस मच्छर को डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने के लिए भी जाना जाता है। जीका वायरस को पहली बार 1947 में युगांडा में डीसस मकाक बंदर में पहचाना गया था, जिसके बाद 1950 के दशक में अन्य अफ्रीकी देशों में मानव संक्रमण और बीमारी के प्रमाण मिले थे। उसके बाद 1960 से 1980 के दशक तक अफ्रीका और एशिया में छिटपुट मानव संक्रमणों का पता चला था। यूरोप में स्थानीय मच्छर से फैलने वाले पहले जीका वायरस रोग के मामले 2019 में सामने आए थे, जबकि भारत में जीका वायरस के प्रकोप का पता 2021 में चला था। अभी तक कुल 89 से भी ज्यादा देशों ने मच्छरों से फैलने वाले जीका वायरस संक्रमण की जानकारी दी है। हालांकि निगरानी विश्व स्तर पर सीमित है। इसके लक्षणों में आमतौर पर दाने, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिर दर्द आदि शामिल हैं, जो 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस संक्रमण शिशुओं को माइक्रोसेफेली और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा कर सकता है। इसके अलावा संक्रमण वयस्कों और बच्चों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी और माइलाइटिस जैसे गंभीर रोग उत्पन्न कर सकता है। फरवरी 2016 में WHO ने माइक्रोसेफेली को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।